जालना जिले में हुए अमानुष घटना का असर हिंगन घाट में दिखा। आज मराठा सकल समाज द्वारा आंदोलन किया गया। शहर के छत्रपति शिवाजी पार्क से उप विभागीय अधिकारी कार्यालय तक संपूर्ण मराठा सकल समाज ने मोर्चा निकाला। मोर्चे में समाज के महिला पुरुषों की बड़ी भागीदारी रही। उप विभागीय अधिकारी कार्यालय में सामुदायिक प्रतिनिधि मंडल द्वारा दिया गया ज्ञापन। जालना जिले की घटना की गूंज जहां पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है, वहीं हिंगन घाट शहर में भी इस घटना का निषेध किया गया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज उद्यान से सकल मराठा समाज और अन्य सामाजिक संगठनों समेत कई पार्टियों के पदाधिकारी ने मोर्चा निकाला और इस घटना का निषेध किया। मोर्चा कारंजा के मुख्य मार्ग से होते हुए उप विभागीय कार्यालय तक पहुँचा। इस समय उप विभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया और जालना जिला की घटना के दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। इस मोर्चा में पूरे मराठा समाज के महिला पुरुष शामिल हुए, साथ ही कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और कई पार्टी नेता और पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद थे। आज आम्ही मराठा समाजाचे लोक आणि इतर पक्षाचे लोक आहेत, असे एका विशिष्ट पक्षाचे म्हणून नाही आहे, मराठा समाजाचे आणि इतर पक्षाचे लोक आहोत। आम्ही SDOला निवेदन देण्यासाठी जात आहे। जालन्याला जे मराठा उपोषणा होते, मराठा आरक्षणाच्या जे लोक बसले होते, त्या आंदोलकांवरती लाठीचार्ज केला पोलिसांनी, त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही जात आहे। आणि आमची प्रमुख मागणी जालना जिल्ह्यात जो आमचा आपलं आंदोलन चालू होतं, त्या आंदोलनात महिलांवर आणि पुरुषांवर सगळ्यांवर जो लाठीचार्ज झाला, त्याच्या निषेध म्हणून आज आम्ही मुखमोर्चा का इथे मोर्चा काढत आहोत आणि साहेबांना निवेदन देत आहोत। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनुरकर की रिपोर्ट।